हे गाइस, हम इस पिक की करने वाली कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कैमरा रॉ में। वहाँ पे जाके हम इसके हाईलाइट शेडोज़ वगैरह ठीक करेंगे ताकि हमारी कलर ग्रेडिंग अच्छे से हो सके। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने थोड़े से बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है तो हाईलाइट थोड़े से कम कर रहा हूँ। ये देखें ऐसे। मैं शेडोज थोड़े से उठा रहा हूँ और ब्लैक्स थोड़े से उठा रहा हूँ और कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। इस तरह हमने अपने हाईलाइट शेडोज वगैरह में थोड़ी सी चेंजिंग की है। तो इसके बाद दोबारा हम कैमरा रॉ में जाएंगे और कैमरा रॉ में हम ये जो HSL एडजस्टमेंट में इसमें आएंगे और वहाँ में हम ह्यू में आके थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने ग्रीन को इस तरफ किया है और ग्रीन को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, येलो को भी थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज को थोड़ा सा कम किया है और ब्लू को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो उसके बाद हम जाएंगे सिलेक्टिव कलर में। सेलेक्टिव कलर में हम थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। ये देखें, येलोस में आते हैं। इस तरह आप इन सब कलर को छेड़ छोड़ के, मतलब आगे पीछे करके बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग बना सकते हैं इजीली तरीके से। ये देखें, देखिए सिलेक्टिव कलर से हमने कितने अच्छे कलर बनाए हैं। तो इसके बाद X5 में जाएंगे और वहाँ पे जाके कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो देखिए, हम अपने X5 में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये हमने लाइट इफेक्ट दिया है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, फेस पे ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये कलर ग्रेडिंग हमने चंद ही मिनटों में की है, कैमरा रॉ से की है, थोड़ी सिलेक्टिव कलर से की है और बाकी हमने X5 से की है। X5 के बाद आप कैमरा रॉ में आके यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि कलर और प्रोमिनेंट हो जाए, और यहाँ पे हम दोबारा सैचुरेशन में आके थोड़े से कलरिंग को आगे पीछे करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने चंद ही मिनटों में बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग बनाई है और बहुत ही प्यारी लग रही है इस पिक पे। तो आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं।
तो अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।